हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है। और पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। साहब हमारे एक तरफ चल रही जावा की बहुत अच्छी प्लेयर्स में गारंटेड सीरीज, और यहाँ पे चल रही थी वेब डेवलपमेंट की प्रोडक्ट की सीरीज, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट प्रोडक्ट के अंदर हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखा था, इसके पार्ट वन और पार्ट टू आ चुके हैं, और पार्ट थ्री जो है वो कल रिलीज होगा, कल हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई एम रेडी टू होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट अ नया बार, ठीक है साहब। मतलब आप लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उससे आपको देखते हैं कि वेबसाइट एकदम टॉप पे, वेबसाइट की एकदम टॉप पे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ तो लिखा हुआ होता है साहब, है ना। उसके कुछ बटन होते हैं, होम बटन होता है, मतलब एक वेबसाइट का लोगो लगा होता है, वेबसाइट का नाम लिखा होता है, और कुछ चीजें लिखी होती है, जैसे होम, नेव, होम लिखा होता है, अबाउट लिखा होता है, कॉन्टैक्ट लिखा होता है, कुछ आइकन्स वगैरह बने होते हैं, कुछ सर्च टाइप बना होता है, सर्च बार टाइप बना होता है, और वो होता है हमारा वो कहलाता है वेबसाइट का एक नया बार, ठीक है। लगभग 99.9% वेबसाइट्स में हमारा नया बार होता है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट होगी जिसमें नया बार नहीं हो, बट 99.9% वेबसाइट्स में अपना नया बार होता है। और नया बार बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही मजेदार चीज है नया बार को बिल्ड करना। और इस सीरीज का नाम है हाउ टू क्रिएट अ नया बार। इसके अंदर चार वीडियोस आएंगे आपके पास लगातार, 1, 2, 3, 4, और इसके अंदर हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें। पहले वीडियो में साहब हम लोग सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, समझ रहे हैं। मतलब पहले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नया बार कैसे बनाते हैं, नहीं बनाएंगे उसको क्या रिस्पॉन्सिव। सेकेंड वीडियो में बनाएंगे रिस्पॉन्सिव नया बार, खत्म, नया बार बनाने का आ गया। इसके बाद थर्ड वीडियो में हमारा टॉपिक है जेएस की मदद से हम लोग उसको लगाएंगे, टॉम की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और फोर्थ वीडियो में हम टॉम का दूसरा पार्ट कवर करेंगे नए बार के अंदर, और इसके बाद हम बना पाएंगे नए बार किसी तरह का। ऑलराइट साहब, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो पहले आपको दिखाया जाएगा नया बार होता है, इसको पता नहीं है जिस बच्चे को नहीं पता, तो अपन चलेंगे सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर फटाफट से लोड कर लीजिए, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ठीक है, अपलोड हो चुका है। गूगल करेंगे साहब लोग, गूगल करेंगे क्या, कोई भी वेबसाइट अपन कर सकते हैं, अपन कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं। मैं नेटफ्लिक्स कर लेता हूँ, नेटफ्लिक्स नहीं करता मैं, फेसबुक कर सकता हूँ, अमेजोन कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट बोल दीजिए, कोई भी, देखिए इस पर भी सारी चीज़ मतलब यार, चलो मैं अमेजोन बोलता हूँ, अपन शॉपिंग नहीं करने वाले भाई साहब, अपन वेबसाइट ओपन करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले। देखिए साहब यहां पे ध्यान से वाला ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें, मतलब वर्कस्टेशन छुड़ा दो यहां से, मतलब देखिए साहब अपन बहुत जल्द क्रिएट करने वाले हैं ऐसी वेबसाइट्स पूरी एक जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ्रंट एंड लगा हुआ, और इसको बैक एंड की मदद से भी बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग सारी चीजें निकालने वाले हैं वेबसाइट पर, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं, ये देखिए इसमें एक लोगो बना हुआ है amazon.in, जैसे हम भी कर रहे हैं जैसे इसका बॉर्डर रेडी वगैरह जैसे जा रही है, देखिए इसका आगे हमारा ये बना हुआ है, इसका आगे हमारे पास बचा हुआ है सेलेक्ट करने के लिए, हमको क्या सेलेक्ट करना है, क्या आपको सर्च करना है, सर्च बना हुआ है यहां पे, सारी चीजें बनी हुई है, आप क्या सर्च करना है, वेरी गुड। और यहां पे इंग्लिश हिंदी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, ठीक है, वेरी गुड, प्रिटी डॉग सेट, ये सारी चीजें बनी हुई, इसका आगे अपना बना हुआ ऑल बेस्ट सेलर्स, ये सारे दोनों नए बार्स हैं। तो जितनी भी वेबसाइट देखते हो ये सारी चीजें दिखती हैं, वो होती हैं अपनी पार्ट ऑफ नए बार, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं अपनी नए बार का होती हैं पार्ट, ठीक है साहब। तो आप लोगों को नए बार के बारे में पता चल चुका है, और हम चलेंगे क्रिएट करने तरफ, ठीक है। तो मैंने एक index.html करके फाइल बनाई है, दूसरी मैंने style.css, सबसे पहले इसके अंदर बनाएंगे एक boilerplate कोड लगा दिया साहब, और इसका नाम रखेंगे, मतलब इस साइकिल लेंगे नए बार, ठीक है, नए बार नए बार, ठीक है। इसके बाद साहब अपन करेंगे यहाँ पे लिंक करेंगे साहब css को, लिंक करेंगे साहब अपन css को, अपने css को चुनेंगे लिंक, और यहाँ पर चलेंगे वेरी गुड, ठीक है साहब, वेरी गुड। और स्टाइल css के अंदर अपन लोग लिखी थी boilerplate कोड, जैसे हमने html के अंदर लिखी थी boilerplate कोड, वैसे लिखेंगे स्टाइल css के अंदर, ये होती है मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। कल वीडियो का अपलोड होगा, इस नए बार की सीरीज के बाद ध्यान सुनिए, नए बार की सीरीज जैसे खत्म होगी उसके बाद हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक अपलोड करेंगे एचटीएमएल की बॉयलरप्लेट कोड के ऊपर, और दूसरा अपलोड करेंगे हम सीरीज की बॉयलरप्लेट कोड के ऊपर, ठीक है। यहां से हम करेंगे एचटीएमएल और कॉमा बॉडी, ठीक है साहब, बॉडी और इसके अंदर अपन लिखेंगे कुछ चीजें, जैसे बोलेंगे हम साहब की विड्थ कर दो साहब अपन 100%, ठीक है, वेरी गुड,
और हाइड गैस का लेवल 100% वेरी गुड ठीक है वेरी गुड ठीक है जैसे कि ग्रोथ की करने का ठीक है अभी इसको हम रिस्पांस नहीं बना रहे बट कुछ रिस्पांस की तरफ जा रही चीजें करने का ठीक है तो इसको हम रिस्पांस की तरफ जाने के लिए बिल्कुल ठीक है वेरी गुड यहां से हम करने बहुत सारी चीजें करने का मतलब अपन बनाएंगे मैन डिप मैं ऐसा बताता हूं कि वैसे मैन मेन डिप बनाते हैं इसको हम रैपिड डिप बोलते हैं इसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं हमारा बेसिकली ये होता है मेन और इसके अंदर हमारा जाता है सारा कोड ठीक है वेरी गुड ऑलरेडी मेरे बनाना है एक नया पार्ट मैंने एक नया डिप बनाया ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको कुछ लोग कहते हैं नया और इसमें एक नैप टैग होता है हमारे इसके अंदर होता है एक हमारा नैप टैग होता है अपने एचटीएमएल के अंदर उससे बना सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि सारे एचटीएमएल के टैग का यूज नहीं करता मैं तो सारी चीजें इसमें बनाता हूं डिप की हेल्प से तो मैं यहां पर सीधे एक डिप बनाऊंगा इसका नाम रखूंगा इसको आईडी दूंगा नैप ठीक है ओ फक बना सकता ठीक है नैप नाम दूंगा ठीक है डिप को नाम दिया नैप और इसको नाम देने का तरीका क्या होता है सिंपल सा मैं बता देता हूं जब भी आपको किसी को आईडी देनी है तो आपके पास दो चॉइस है ठीक है देयर आर टू चॉइसेस ठीक है पहला वैसा होता है कि आप पहले ऐसे लिखेंगे आपको डिप बनाना तो आप डिप डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा हो जाएगा और इसके अंदर जाके आप यहां पर लिखेंगे आईडी आईडी इज इक्वल टू नैप ठीक है अपन ऐसे नाम लिखेंगे ठीक है नैप नया यहां पर जो आपको ठीक है दूसरे तरीका होता है साहब क्रिएट करने का कि साहब शॉर्ट वेरी गुड और दूसरा बोलना है सिक्स जो हाइट है मेन वो भी दे दो साहब 100% ठीक है इसको आप बीजी कलर तो बीजी कलर हमको देंगे अच्छा सा मान लो अपन है कुछ भी करो यार ओके वेरी गुड तो ऐसा कलर देख लेंगे यहां पे अपन वेरी गुड ये ओके 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 ये अपन कलर ठीक है अपन अलग कर देंगे डार्क कलर ठीक है अब इसको हम कराना है वेबसाइट को रिलोड तो यहां हम करेंगे वेबसाइट को गो लाइव और 1 2 3 जेम्स आप हमारे वेबसाइट हो चुकी रिलोड ठीक है तो टाइम ले रहा थोड़ा सा नहीं देखो तेज चलता हूं ठीक है अब इसका कलर रिलोड नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ कलर रिलोड नहीं हुआ हमने सीरीज को नहीं कर रखा है स्टाइल ओके तो यहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी की मिस्टेक इसलिए हुआ थोड़ा सा दिक्कत तो यहां पे हमको लिखना है वेबसाइट के अंदर
नया सेंटर के अंदर आपको कुछ चाहिए होगा नया ब्रांड करना ठीक है वेरी गुड ठीक है नया सेंटर के अंदर हमको क्या चाहिए बताइए साहब नया सेंटर के अंदर हमको चाहिए कि साहब एक लिस्ट बन के आ जाए ठीक है उसको क्या करते हैं यहां पे यूज करते हैं यूएल यूएल मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट क्या होता है अपना साहब यूएल होता है अपना ऑर्डर लिस्ट और ओएल होता है अपना यूएल होता है अपना अनऑर्डर लिस्ट और ओएल होता है अपना ऑर्डर लिस्ट ऑप्शन में लगाते हैं एलआई इस तरह से लगाते हैं उसको बनाने को मैं ऐसे तरीके लगाऊंगा मैं से बनाऊंगा साहब यहां पे एंकर टैग ठीक है एंकर टैग मेरे बनाना है और यहां पे नाम देखो मान लो ठीक है एक नाम भी मैं कॉपी करूंगा और अलग तरह में बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें करूंगा वन सेकंड इसको मेरा कॉलम कॉपी और यहां से कॉलम ऊपर भी पेस्ट मतलब 1 2 3 4 5 ठीक है 5 मेरे हिसाब से सही है दूसरे में नाम दूंगा क्या नाम दूं साहब दूसरे में नाम दूंगा यहां पे अबाउट मान लेता हूं अबाउट अबाउट एक अच्छा ऑप्शन बता देता हूं दिखता है अबाउट ठीक है इसके अलावा मैं ऑप्शन दूंगा आप लोगों को मालूम है बोलता हूं साहब कॉन्टैक्ट और साहब 80 के कॉन्टैक्ट 80 के अपने पास कॉन्टैक्ट ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट इसके अलावा अपने पास आता है क्या ऑप्शन आता है अपने पास कॉन्टैक्ट के बाद अपने पास कॉन्टैक्ट के ऑप्शन आता है पेमेंट पेमेंट ठीक है उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं बाय ठीक है ऐसे अपने पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ठीक है तो ये अपने पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ठीक है ये अपने सेंटर के अंदर ठीक है मैं चाहता हूँ कि नैव लेफ्ट यानी कि नैव के लेफ्ट पार्ट में एकदम लेफ्ट में अपने को दिखे कंपनी का नाम एंड कंपनी का लोगो और अपने को स्पीकिंग सेंटर में दिखे सारी चीजें होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेमेंट की और राइट में दिखे मुझे कुछ चीजें जैसे होती है मेरी एक बहुत ही प्यारी चीज तो मतलब मैं लगाऊंगा यहां पे आइकॉन्स ठीक है तो आइकॉन्स को मैंने मैं बता चुका हूं इसी तरह से साहब यहां पे जाना है ठीक है लिंक्स आइकन करना है ठीक है थोड़ा सा टाइम लेगा लिंक्स आइकन अपलोड होने की तरफ मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है कभी-कभी टाइम लेता है वेबसाइट लिंक्स आइकन वेरी गुड लिंक्स आइकन पे सर्च करने आ जाएगा यहां पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और अपन पहुंच जाएंगे इस यहां पे और यहां से करेंगे अपन कॉपी सीरियन देखिए आप नीचे जाएंगे यहां पे मिलेगा सीरियन सीरियन को क्या आप यहां से कॉपी और अपन एक्चुअली पहुंचेंगे साहब अपनी वीएसओ के अंदर जहां हमने सीरियस फाइल लिंक किए ना सीरियस फाइल के जस्ट ऊपर अपन इसको कर लेंगे पेस्ट ठीक है साहब और यहां पे ये चीज उसकी लिख लो अब मेरे को चाहिए दो आइकन एक चाहिए मेरे को कार्ड ठीक है आप देखो ना शॉपिंग कार्ड लास्ट बन के आया था एक मेरे को ये चाहिए इसको मैं कॉपी और मैं नया ब्रांड में जाकर करूंगा इसको पेस्ट ठीक है इसका मेरे को एक और चाहिए जिसका नाम है जिसका नेम है साहब सर्च बार सर्च बे ओ तो इसके नेम को सर्च बार ठीक है ये अपन पास आ गया सर्च ओके और इसका मैं एक और लगा देता हूं मान लो मैं यहां पर लगा देता हूं क्या हो ये वाला लगा देता हूं मान लो यहां पर लगाना है अकाउंट अकाउंट यूजर अकाउंट मेरे को इतनी सारी चीजें नहीं थी और मैंने इसको कर दिया एक्चुअली सबसे पहले मेरे को नहीं इसके लिए क्या तरीका होता है इसके लिए तरीका होता है डिस्प्ले प्लस मतलब अपन पैरेंट अंदर अलग लगा देंगे डिस्प्ले प्लस डिस्प्ले प्लस करता है सारी चीजों को ले जाता है अगल बगल देखिए कैसे मैं करूंगा डिस्प्ले प्लस सारी चीजें ठीक है ठीक है और मैं डिस्प्ले प्लस ज्यादा चाहता हूं कि जितनी भी चीजें ये थोड़ा आगे सेंटर ठीक है अब मैं सिर्फ डिस्प्ले प्लस लगाऊंगा उसके बाद जाऊंगा मैं नैव लेफ्ट के अंदर ठीक है पहले जाऊंगा मैं नैव लेफ्ट के अंदर भाई साहब और मैं चाहता हूं इसकी रिपीट दे दीजिए आप लगभग 20% ठीक है 20% पे दे दीजिए साहब वेरी गुड और हाई दे दीजिए साहब 100% क्यों पैरेंट के हिसाब से हेलेगा पैरेंट का कितनी दी थी पैरेंट हेड थी आपकी 15% तो ये जो हाइट लेगा वो लेगा पैरेंट के हिसाब से ठीक है और उसको मैंने कहा कलर दे दीजिए साहब इसको आप क्या कलर दे दीजिए इसको आप कलर दे दीजिए थोड़ा वाइट टाइप ठीक है बस दे दीजिए बटन दे दीजिए सारी चीजें पता नहीं होता है ये कैसे चीजें बनाएंगे जब आप रिस्पांस में आते ना तब सारी चीजें आती है रिस्पांसिविटी के लिए रिस्पांसिविटी को सही कर पाते हैं ठीक है तो रिस्पांसिबल डिजाइन का सपोर्ट होता है सारी चीजें फॉन्ट साइज वगैरह पर रिस्पांस दे रहे हैं एंड इसको बहुत सारी रिस्पांस के मैटर करती है सारी चीजें अब ये अपन ने सिर्फ नैव बना दिया नैव सेंटर अपन बना रहे हैं नैव सेंटर ठीक है अपन नैव और आगे साहब सेंटर नैव सेंटर के साहब अपन क्या बोलेंगे वेरी गुड अपन बोलेंगे इसको साहब लगभग 100% नो बेटे साहब लगभग 60%
और हाइट दे दो, हाइट दे दो साहब इसको लगभग 100%, हाइट 100% सही है क्योंकि चाहते पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। और तो सारा बीजी कलर आप याद दे दीजिए, बीजी कलर दे दीजिए साहब, बीजी कलर दे दीजिए, मान लीजिए टोमेटो, ठीक है। टोमेटो थोड़ा अच्छा कलर नहीं पर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन जाएंगे इंग्लिश लाइन में, उसमें लिखेंगे अपन साहब नैप राइट, वेरी गुड डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई और देखो सारी चीजें एक लाइन में आ गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि साहब ये सारी चीज सेंटर में भी आ जाए, इसका साथ प्रॉपर्टी होती है अलाइन एटम सेंटर, देखिए अलाइन एटम सेंटर, ये सारी चीजें इसकी सेंटर, सारी चीजें इसकी सेंटर पे देख लीजिए, ठीक है। सारी चीजें इसकी सेंटर पे, वेरी गुड। और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में थोड़ा सा लगा स्पेस, तो यहां से बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है साहब। और ऐसा चीज लगी फैला फैली, ये सारा प्रॉपर्टी बनना है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच में क्या करें, उसको आप सेंटर में रखें, उसमें साहब स्पेस थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दें, क्योंकि सारे स्पेस बिटवीन से क्या होता है कि सबके बीच में इक्वल इक्वल स्पेस होता है, इस दोनों बीच में इक्वल स्पेस दोनों बीच में दिया जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें एकदम यहाँ से चिपक के लग रही है ना, देखिए एकदम यहाँ से चिपकी हुई है, यहाँ से चिपकी हुई है, नहीं लगे इसका तरह का सारा पैडिंग, इसको दूर करता सारा पैडिंग, ठीक है। पैडिंग जैसा पैडिंग लगाएंगे अपन यहाँ पे, और पैडिंग अपन देंगे यहाँ पे लगभग, पैडिंग कितने के हिसाब से लगभग अपन यहाँ पे मालूम देते हैं अपन 10% आई थिंक ऊपर नीचे से होना चाहिए, तो अपन ऊपर नीचे से देंगे आप 0 की और लेफ्ट राइट से देंगे। पैडिंग में जो पहली प्रॉपर्टी है ये होती है, वो होती है टॉप बॉटम और दूसरी होती है लेफ्ट राइट। मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट से 10% और बहुत अच्छी बहुत शानदार एकदम सेंटर पर सारी चीज़ें एक्चुअली एक्चुअली में एक्चुअली मैं चाहता था कि सारी चीज़ें आए सेंटर पर, वेरी गुड प्रिटी सर, आई एम प्रिटी सर के आप लोगों को चीज समझ में आया, ठीक है। अब अपन को करना है नैव राइट, नैव राइट करने के सारे लोगों ने किसी को भी चाहते हैं कि एकदम सेंटर पे सारी चीजें आ जाए, तो अपन क्या करेंगे साहब डिस्प्ले लगाएंगे साहब अपन प्लस ये सारी चीज आ जाए आइटम्स अलाइन आइटम्स सब सेंटर, ठीक है साहब। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट इज स्पेस बिटवीन, ठीक है साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें चाहता हूं कि साहब थोड़े से अंदर से आए, यहां पे लगा दूंगा पैडिंग, ऊपर से नीचे मेरे को बिल्कुल भी पैडिंग ऊपर नीचे से मेरे को और लगभग 6% अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके आ रहा है, ठीक है, एंकर टैग के अंदर सारी चीजें, इसको कैसे सुधारें, इसको सुधारने का सिंपल तरीका होता है साहब कि आप जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कि साहब कि आपने जो नैव नैव सेंटर बना रखा है और उसके अंदर आपने जो ए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है सर, ये ए ए लगा के लिखिए, इसका मतलब होता है कि नैव सेंटर के अंदर जो डायरेक्ट अपना ए है उसको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से मैं उसको बोल रहा हूँ कि साहब उसका जो कलर है, कलर है साहब उसका, वो कर दीजिए आप यहाँ से ब्लैक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो जाए ना एकदम ब्लैक, ठीक है साहब, वेरी गुड, देखिए एकदम ब्लैक हो चुका, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब यहाँ से नम जैसे डेकोरेशन करूँगा उसके नीचे अंडरलाइन देंगे हेट, और मैं करूँगा इसको दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली साहब दे दें इसको, मतलब कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, अपन फॉन्ट में दे दें अच्छी सी। और मैं बता रहा हूँ उसका जो फॉन्ट वेट हो थोड़ा सा दो, तो फॉन्ट वेट में बता रहा हूँ उसका लगभग दो आप 900, गुड टू गो, वेरी गुड। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो बता दें 700 और 700 एक्स जाएगा, वेरी गुड। बता दूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए, फॉन्ट साइज दूंगा लगभग 2 VW। अभी आप लोग बोल रहे हो सर आपने 2 VW, 2 VW क्या होता है,
बस आप समझ लीजिए आपको ग्रेड टू देना है। अगर आप नहीं देना चाहते परसेंट दे देता हूँ, मैं भी परसेंट दे देता हूँ, पिक्सल से दे देता हूँ, पिक्सल से दे दूँ परसेंट जिसको पिक्सल देना है क्या कितने सस्ते हो मेरे को मैं चाहता हूँ टू पिक्सल नहीं मतलब 28 पिक्सल आ जाए 28 पिक्सल 25 पिक्सल ज़्यादा 28 पिक्सल आ जाए सही मेरे अपने को बढ़िया लगा ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि नए ब्राइट के अंदर अपना जो ये आई दिखा हुआ है ना इसका थोड़ा सा सही हो जाए तो मैं यहाँ सोचूंगा साहब कि नया राइट जो है अपना इसके अंदर अपना जो आई टैग देखिए नया ब्राइट के अंदर मैंने आई टैग लगाया हुए हैं ये जैसे एच डी में चाहता हूँ इसके अंदर का जो कलर है वो तो साहब अपना रह जाए यही ठीक है। इसके बाद इसका मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ इसमें क्या चाहता हूँ हाँ कि इसका जो फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट वेट भी पहले बता दें लगभग कर देते हैं बस 800 वेरी गुड। और मैं ज़्यादा उसका तो फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए तो फॉन्ट साइज में करना लगभग यहाँ से 24 पिक्सल्स थोड़ा ज़्यादा रहा मैं करा 24 पिक्सल्स वन सेकेंड हाँ हो गया और ज़्यादा उसके बीच में स्पेसिंग कम है तो पैडिंग यहाँ से लगभग लगभग 3% की थोड़ा ज़्यादा दूर होना चाहिए एकदम प्यारा चीज़ लगेगी ठीक है। एकदम प्यारी चीज़ लगेगी साहब लगेगी बता दी मेरे को नहीं लगेगी बता दीजिए लगने लगेगी देखिए वेरी गुड ये बस ये मेरी बाकी रहेगी सुधारना ठीक है। सुधारना बाकी रहेगी नया ब्लेड के अंदर चलते नया ब्लेड के अंदर नया ब्लेड के अंदर हमने लगाया था कि साहब इसको भी दे दो आप डिस्प्ले साहब दे दो इसको आप प्लस क्या बस ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको दो डिस्प्ले प्लस बाद में क्या इसको एलाइन कर दो आप सेंटर तो अपन स्पेसिंग दे रहे हैं यहाँ जाएंगे यहाँ पर नैव लेफ्ट के अंदर उसके अंदर लिखा है ना उसके अंदर यहाँ पर जाएंगे आपकी फॉन्ट फैमिली सबसे पहले वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली की बात मैं चाहता हूँ कि साहब जो अपनी फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा अपना सही करेगा मान लो अब मेरा टेन सिक्स सॉरी टेन सिक्स हो जाएगी गलत चीज़ गलत बनाएंगे टेन सिक्स ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट साइज है